हो गया जी राजनाथ साहब, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभापति महोदया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और इससे निश्चित रूप से निःशक्त एवं विकलांग छात्रों के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ में समाज के उस तबके को शिक्षा के अधिकार में शामिल करने का जो बिल लाया गया है वो वास्तव में स्वागत योग्य है। हमने 2010 में इस संबंध में बिल पारित किया था, लेकिन आज हमें कहना में कोई संकोच नहीं है कि आज अगर हम शैक्षणिक क्षेत्र के बारे में संस्थानों पर नज़र डालें तो आज देश में 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनमें से लगभग 80 लाख बच्चे शैक्षणिक संस्थानों से आज भी दूर हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50-60 बाल श्रमिक हैं और अगर गैर सरकारी आंकड़ों पर बात करें तो 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं जो आज भी स्कूलों से दूर हैं, वंचित हैं। इनको जब तक हम स्कूलों में हम नहीं ले जाते हैं तब तक हमारा सर्वशिक्षा का अभियान जो है ना वो अधूरा बन रहता है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने स्कूलों के भवन बनाए, कमरे बना दिए, लेकिन उनमें काफ़ी विसंगतियाँ देखने मिलती हैं। एक स्थान पर मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर 45 बच्चे हैं मात्र, 5 टीचर हैं और 5 कमरे हैं। दूसरे स्थान पर गया तो मैंने देखा 267 छात्र वहाँ पर हैं और वहाँ पर भी 5 कमरे लेकिन शिक्षक मात्र वहाँ पर 2 हैं। जब इस तरह की विसंगतियाँ रहेंगी तो हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और अकेले पूरे देश में मतलब इस तरह के शिक्षकों की कमी है, अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में ही 6 लाख अनट्रेंड टीचर हैं, जहां पर कम से कम 5 लाख ट्रेंड टीचरों की आवश्यकता है। हमारे सर्वशिक्षा अभियान में जो प्रावधान किया गया था जिसमें हमारे बहुत सारे सांसदों ने बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया कि गरीब विद्यार्थियों को स्कूलों में 25% आरक्षण की जो बात की गई थी एडमिशन की, उसका पालन नहीं हो रहा है। अकेले दिल्ली के स्कूलों में 10,000 स्थान रिक्त पड़े हैं जो गरीब विद्यार्थियों के कोटे से नहीं भरे गए हैं। सारे देश की स्थिति तो क्या होगी? और इस पर बहुत सख्ती से कदम करने उठाने की आवश्यकता है। घुमंतु जो जातियां होती हैं उन घुमंतु जातियों के बच्चे जो है ना वो स्कूल से वंचित होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब निःशक्त बालकों के लिए जो कानून की बात कही गई है इसकी भी कहीं ऐसी स्थिति ना हो हमारे पूर्व के विधेयक के सरीक से, और इसके हमारे लिए व्यवहारिक रूप से नौकरशाही वाला जो दृष्टिकोण वो छोड़ के और हमें नई सोच अपनानी होगी। विकलांगता सामान्य रूप से जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, मानसिक विकलांग, अस्थिबाधित, मूक बधिर, दृष्टिबाधित। पिछले बिल में जो विकलांगता की कैटेगरी शामिल की गई थी 7 कैटेगरी शामिल की गई थी और इस कैटेगरी में नए बिल में 10 में इसको 20 कैटेगरी तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा विकलांगों के 4 नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, देहरादून, कोलकाता, सिकंदराबाद, मुंबई में। इसके अतिरिक्त 17 आवासीय रोजगारमुखी केंद्र विकलांगों को संचालित किए जा रहे हैं। यह संख्या देश में जो रोज हमारे जो विकलांग बच्चों की संख्या को देखते हुए काफ़ी कम है। इसके साथ ही साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जाने वाले विद्यालय और आवासीय विद्यालयों की संख्या भी देश के सभी राज्यों में बहुत कम है। कितने जिलों में प्राथमिक विद्यालय हैं, कितने में मिडिल स्कूल तक शिक्षा दी जा रही है, कितने संभागीय मुख्यालयों में और आवासीय विद्यालय 12th तक वहाँ पर दिए जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 30.82 लाख विकलांग बालकों की पहचान की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक 2.1% विकलांग बालकों में से मात्र 1.5% को ही दर्शाता है। इनमें से नियमित स्थल और घर पर आधारित शिक्षा के तहत अब तक केवल 27.80 लाख छात्रों को ही शामिल किया गया है। हमारा देश ज्यादातर गांव में रहता है और 81% विकलांग भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही, अतः विकलांग बालकों की संख्या भी गाँव में ही है। 55% विकलांग पूरी तरह से अशिक्षित हैं, मात्र 9% ही मिडिल तक शिक्षा ले सके हैं, क्योंकि विकलांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने विद्यालयों की पूरे देश में कमी है। सरकार अगर जागरूक होती तो ये आंकड़े जो है ना 50% तक जा सकते हैं। स्वयं आंकड़े बात कर रहे हैं, सरकार द्वारा संचालित विद्यालय बहुत कम है। सामाजिक संस्थाएं NGO सरकार से लाभ लेकर केवल कुछ बड़े शहरों में केंद्र चला रही हैं, छोटे शहरों में कस्बों में सरकार में NGO दोनों ही कई द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी नहीं होती, हर जिला स्तर पर कम से कम हाई स्कूल एवं संभागीय मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी निःशक्त बालकों के लिए आवासीय एवं रोजगार पर विकलांग विद्यालय बनना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रतिवारक 3,000 रुपया प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,000 रुपया समर्थक शिक्षक की नियुक्ति के लिए अलग रखा जाएगा। सार्थक कदम किंतु ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। गरीब परिवार का बच्चा प्राथमिक स्कूल बोर्डिंग में पढ़ता है, 200 रुपया प्रतिमाह लॉजिंग बोर्डिंग को दिया जाएगा। हॉस्टल में आय की आवश्यकता होने पर आय को 50 रुपया दिया जाएगा। अब बताइए आप
₹50 में कौन आया काम करने को तैयार होगी। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है कि अभी तक विकलांग बालकों में से सिर्फ 75,099 बालकों को ही नियमित स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। अतः सर्व सुविधा युक्त स्कूलों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है इसका 4 पॉइंट जो 8 पॉइंट है इस बिंदु में कहा गया है कि निःशक्त बालकों को विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए कुल 10,014 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 58.78% स्कूलों को रैंप और हेडल उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि अपने आप में कहते हैं कि ये संख्या बहुत कम है। हमारी तैयारी पूरी नहीं है। कितने प्रकार के विकलांग बच्चे हैं, सभी बच्चों को जो है ना मैडम, अभी तो मैंने शुरू किया है तो आपका थोड़ा संरक्षण चाहता हूँ और थोड़ा हमें समय मिलना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत सरकार को सभी राज्यों में अभियान चलाकर सैंपल सर्वे नहीं बल्कि पूर्ण सर्वे कराना चाहिए और कितने विकलांग हैं, कितने प्रकार की विकलांगता है, कितने भूख बधिर हैं, कितने दृष्टिहीन हैं, कितने अस्थिबाधित हैं, कितने मंदबुद्धि हैं, उनको किस तरह की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्या पास के गांव में या जिला के केंद्र पुनर्वास केंद्र में रहकर शिक्षा दी जा सकती है। सेंट्रल स्कूल में 10 टीचर नहीं है। मैडम मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप शॉर्ट में पॉइंट्स दे दीजिए। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, आपके दूसरे स्पीकर के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विकलांगों में किसी तरह की कमी नहीं होती, इनकी विकलांगता किसी तरह से उनकी प्रगति में बाधक नहीं होती। और इसका उदाहरण है हमारे ही सदन में सम्मानी जयपाल रेड्डी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान्य रविंद्र जैन, संगीत की दुनिया में उन्होंने नई नई रचना रच के आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी हमारे इसी सदन के सम्मानित सदस्य थे 1977 में कि अगर देखना है इनकी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को। हमें अपने बजट को एलोकेशन हमको बढ़ाना होगा और हज का हमारे हक का आसमान खुला रखें तो हम देखेंगे तारे जमीन पर भी आएंगे। इन विकलांग बच्चों को उनके लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाए, शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाए, ट्रेंड टीचरों की व्यवस्था की जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश और किसी भी तरह से हमारे विद्यार्थी जो है ना वो अपनी योग्यता प्रमाणित करने में पीछे रहने वाले नहीं है। अभी एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था 16 विद्यार्थियों के बारे में और वो विकलांग विद्यार्थी थे। हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ प्रतिभा थी। कोई अकेले पैरों से बहुत अच्छा कंप्यूटर में मास्टर बन गया, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है। तो वो लेख पढ़कर मुझे लगा कि वास्तव में अगर इनको सही मायने में सुविधा उपलब्ध कराई जाए, संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो हमारा देश विकलांगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और ये बिल, इस बिल के बारे में क्रियान्वयन जहां तक सवाल है तो इनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आका जाना चाहिए, विकलांगों के घरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर आप हमें दो चार मिनट का समय दें तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। 1 मिनट और दें हम, मैं मात्र 1 मिनट ही चाहता हूं कि विकलांग बच्चों के साथ में आप देखते हैं अक्सर रेलवे स्टेशन पर कहीं आप बैठे रहते हैं, आपके बाजू में कोई विकलांग बच्चा बैठा होता है, उसकी मुंह से अगर लार बह रही होती है माँ तो पूछती है अपने पल्लू से, लेकिन बाजू में कोई महिला बैठी होती है अपने बच्चों को लेकर तो वो चली जाती है। स्कूल में वो खाने की मेज पर जाता है तो बाजू में उसके जो बच्चे बैठे रहते हैं उसको मंदबुद्धि कहकर वहां से उठ के चले जाते हैं। बस में जब यात्रा करके स्कूल जाता है तो उसके पास से बच्चे उठकर चल देते हैं। ये जब तक इन बच्चों के साथ भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक कैसे, और ये हमारे बिल की सार्थकता होगी। और इसलिए आपका मिनट प्लीज, इस संबंध में अगर काम करना होगा तो माननीय सभापति महोदया दिल से हमको काम करना होगा, दिल से क्रियान्वयन करना होगा, तभी बिल की सार्थकता सही माने में सिद्ध होगी। और एक लाइन कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिंदगी की हर कमी जो भूल जाता है बस वही उपलब्धियों के फूल पाता है। आदमी सच्चा वही जो हौसला रखता सदा ही मुस्कराता है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। क्या हुआ भाई, आंख से जो देख ना पाता दिव्य दृष्टि से नजर सब उसको आता है। हाथ से लाचार है जो पैर से कमजोर, दौड़ जीवन की मगर वह जीत जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल ना पाए जो कानों से सुन भी ना पाए, पूरी कविता बोल ना पाए जो कानों से सुन भी ना पाए, श्रीमती प्रियादत्त जी ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी दिस ऑपर्चुनिटी।